ऑल इंडिया मैजिक महोत्सव का हुआ भव्य समापन रामपुर 10, 11, 12 फरवरी कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार झील पर ऑल इंडिया मैजिक कलर ट्रस्ट द्वारा मैजिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। जादूगर जुगनू डॉक्टर सुरेंद्र आकाश गुप्ता एवं जादूगर टीम द्वारा इस आयोजन का आगाज किया गया। इस भव्य महोत्सव का उद्घाटन रामपुर के नगर विधायक माननीय आकाश सक्सेना जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। पूरे देश से आए जादूगरों द्वारा माननीय विधायक महोदय का भव्य स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 64 कलाओं में से एक कला जादू है, जिसको हस्त कौशल कला कहा गया है। इसको ललित कलाओं में शामिल करना यह सभी जादूगरों का उद्देश्य है। इसी क्रम में आज सभी जादूगरों द्वारा माननीय विधायक महोदय से यह अपील भी की गई। साथ ही खचाखच भरे पंडाल में दूर दराज से अनेक प्रांतों से आए भारतवर्ष के जादूगरों ने अपना जादू दिखाया। जादू को देखकर वहां आए दर्शक हैरान रह गए एवं मंत्रमुग्ध हो गए। कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार झील पर आज लगा हुआ है पूरे भारतवर्ष से आए जादूगरों का भव्य मेला रहा। कार्यक्रम के दूसरे दिन OMG वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया, जो जादूगर जुगनू अफीम जी के नाम से बना। 11 तारीख 11 बजे 111 जादूगर और 111 कबूतर जादू से बनाकर शांति, एकता और स्वार्थ के लिए आसमान में उड़ाए गए। 21 जादूगरों द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर रामपुर की मुख्य सड़कों पर मोटरसाइकिल का अंधा सफर तय किया गया, जो कि OMG वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। पूरे देश से आए सभी जादू कलाकारों ने अपने अपने जौहर दिखाए, प्रदर्शन किया। फुल टॉस मस्ती के साथ कार्यक्रम का आगाज व समापन किया गया। समापन में मुरादाबाद की विचित्र कुमार शर्मा एडवोकेट एवं कला भारती के महामंत्री बाबा संजीव आकांक्षी, डॉक्टर दीपक राजगर्ग एवं दिल्ली से आए CBSE के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। झील पर कार्यक्रम बहुत ही रमणीय भव्य रहा। सभी जादूगरों का कहना है अगले साल ऑल इंडिया नहीं इंटरनेशनल मैजिक कॉन्फ्रेंस इस झील पर होनी चाहिए, जिसकी रूपरेखा तैयार करी जा रही है। वहीं इस कन्वेंशन का भी उद्घोष किया गया, जो कि पंजाब अमृतसर लुधियाना में होनी तय है, जिसके कन्वीनर डॉक्टर मोगेम्बोजी होंगे। कार्यक्रम में दिल्ली से एलिजेंस राजकुमार जी, श्री केसी पांडे जी, मेंटलिस्ट PK जैन, पुनर्वास के मनोज जैन को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजक पक्षी विहार कस्तूरबा गांधी झील के संचालक आविद भाई द्वारा किया गया। महोत्सव जो हुआ था रामपुर में, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये ऑल इंडिया मैजिक महोत्सव एक रामपुर में आयोजित किया गया था और ऑल इंडिया मैजिक कला ट्रस्ट के द्वारा ये आयोजित किया गया। ऑल इंडिया मैजिक कला ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष रहा हूँ और प्रेम जी इसके सेक्रेटरी रहे हैं, और ये आयोजन प्रशासन के साथ मिलकर जो वहाँ का हमारा कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार के जो संचालक हैं मिस्टर आविद जी, उनके संयोजन में ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग पूरे देश से लगभग 150 वहाँ जादूगर कलाकार पहुँचे और उन्होंने अपने एक से एक हुनर अपने वहाँ दिखाए, चाहे वो हुनरबाज के हों, शाबाश इंडिया के हों, इंडिया गॉट टैलेंट के हों। कई अच्छे नामचीन मैजिशियन वहां पहुंचकर उन्होंने अपने अपने कार्यक्रम वहां प्रस्तुत किए। साथ ही साथ 11 तारीख को 11:11 पर 111 जादूगरों ने 111 कबूतर एक साथ जादू के माध्यम से प्रकट किए और शांति, सौहार्द, एकता और भाईचारे के लिए उन कबूतरों को आसमान में उड़ाया। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन का उद्घाटन माननीय आकाश जी सक्सेना, जो वहाँ के नगर विधायक हैं, उन्होंने किया और सभी अधिकारी इसमें सम्मिलित रहे। दो रिकॉर्ड वहाँ बने हैं, OMG वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड, एक तो कबूतरों को आसमान में उड़ाने का, और 21 जादूगरों ने 6 किलोमीटर की यात्रा आंखों पर पट्टी बांधकर और थैला डालकर अंधा सफर तय किया। एक रिकॉर्ड ये भी वहाँ पर तैयार किया गया है, जिसका हिस्से में 150 जादूगरों को वहाँ के OMG वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट्स भी वितरित किए गए, मोमेंटोज भी वितरित किए गए और पूरी की पूरी व्यवस्था कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार झील पर की गई, जो कि आविद भाई के माध्यम से की गई। इसका संयोजन आविद भाई ने किया। आयोजक ऑल इंडिया मैजिक कला ट्रस्ट का अध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता अंशु भैया, यानी कि मैं जुगनू जादूगर, और जादूगर प्रेम, जादूगर मिस्टर इंडिया, जादूगर सुनील, जादूगर संजय और नामचीन जादूगर इसमें सम्मिलित रहे।